बछावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछावा पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा अवैध नकली शराब बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। बछावा पुलिस एवं आबकारी टीम के कुशल निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर बछावा पुलिस द्वारा एक टाटा सफारी एवं एक महिंद्रा पिकअप में 82 पेटी अवैध नकली शराब एवं बोरियों में 424 बोतल बरामद की गई। पुलिस द्वारा हर्ष प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी डिगोरा थाना हरचंद्रपुर जनपद रायबरेली, राजन जायसवाल पुत्र राजेश्वर जायसवाल निवासी सर्वोदय नगर थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं मौके से सोनू पासी पुत्र रामनाथ पासी निवासी डिगोरा थाना हरचंदपुर जनपद रायबरेली, सुधाकर सिंह पुत्र अज्ञात निवासी जनपद प्रतापगढ़ गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार करने वाली टीम ने थाना अध्यक्ष राकेश सिंह, उप निरीक्षक अनिल यादव, उप निरीक्षक अर्शद नदीम, कांस्टेबल तौफीक खां, वेद त्रिपाठी, लोकेंद्र यादव, लवकुश यादव, अनुज कुमार एवं आबकारी टीम में कीर्ति प्रकाश पांडे, हेड कांस्टेबल रामनाथ मौर्य, अजय कुमार सिंह, अमरेंद्र सिंह के संयुक्त टीम द्वारा 3,40,000 की कीमत की अवैध नकली शराब बरामद की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि अवैध नकली शराब के कारोबारियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। दिनांक 16 तारीख को जो कि अगस्त पे निकली थी, जिनको जरिए मुझे सूचना मिली कि एक महिंद्रा जीप और एक पिकअप में 86 केजी शराब लेकर कुछ लोग आ रहे हैं लालगंज की तरफ से। उनके द्वारा आबकारी निरीक्षक कीर्ति प्रकाश पांडे से भी संपर्क किया गया। उनकी टीम भी वहाँ मौके पर पहुँच गई और बद्री प्रसाद के पूर्वा के पास इन दोनों टीमों ने मिल करके उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से जो शराब मिली है उसकी कीमत 3,40,000 रुपये है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई दी गई। धन्यवाद।